प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आप लोग एनसीईआरटी के बुक से। मैं पहले भी अपने अपने पहले वीडियोस में प्रोबेबिलिटी समझा चुका हूँ, ठीक है। पहले मैंने एनसीईआरटी नहीं करा, पहले मैंने दूसरे बुक से करा। अब यहाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑन इवेंट होने का चांस और ना होने का चांस दोनों का टोटल कितना आएगा, 1। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता उसका चांस 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, ठीक है, इज कॉल्ड श्योर इवेंट, पक्का होना है, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, होने का चांस, या मान लो लूडो की किट्टी खेल रहे, एक आने का चांस 1/6, दो आने का चांस भी 1/6, तीन आने का चांस भी 1/6, चार आने का चांस भी 1/6, पाँच आने का चांस भी 1/6, छः आने का चांस भी 1, सबको जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। वैसे सिक्का उछालोगे, हेड आने का चांस 1/2, टेल आने का चांस 1, दोनों को जोड़ोगे हर समय कितना आएगा, 1, तो सम कितना आएगा, हर समय 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, किस किस के बीच में होता है, ये हर समय 0 और 1 के बीच में हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला, विच आर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, एक्सप्लेन। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार, जब कार स्टार्ट कर रहा है, अगर कार अच्छी होगी तो एक ही बार में स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका इक्वली लाइकली आउटकम वाला खेल नहीं है, हर बार स्टार्ट होगा, ठीक है। एक प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केट, अगर प्लेयर है बॉल के अंदर डालने के चांस के पूरे होंगे तो इक्वली लाइकली वाला गेम नहीं है, इक्वली लाइकली हो या ना हो। जैसे अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, ये क्या इक्वली लाइकली आउटकम है, ठीक है। अ ट्रायल इज मेड, ट्रायल मतलब तुक्का मार रहा है, ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स के 2×2=4 आता है और वही पूछ लिया जाए तो आप तो सही बताओगे। ट्रायल इज मेड टू आंसर, कोई ऐसी चीज़ पूछी जा रही है जिसके बारे में पता नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, इसके चांस क्या है आपके, इक्वली लाइकली आउटकम चांसेस के थर्ड वाला, ठीक है। फोर्थ वाला, अब बेबी इज बॉर्न, लड़का है कि लड़की, चांस हो गया इसका इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है बेटा, इन दो के चांस इक्वली लाइकली है, इसके नहीं है। नेक्स्ट, वाइज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग, क्योंकि उसके चांस आधे आधे होते हैं, इसलिए गेम क्या होता है, बराबर का मामला होता है, इसलिए सिक्का उछाला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रॉबर्टी, ये कौन सा नहीं हो सकता प्रॉबर्टी, देखो 2/3 हो सकता है, ये नेगेटिव वाला नहीं हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 0.7, तो कौन सा वाला नहीं हो सकता है, नेगेटिव वाला नहीं हो सकता है। इफ पी इज इक्वल टू 0.05, वॉट इज द प्रॉबर्टी ऑफ नॉट, ये होने का चांस 0.05, ना होने का चांस क्या आएगा, 1 में से 0.05 को माइनस करेंगे। अब बैग कैंडी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, क्या चांस है कि वो ऑरेंज निकले, जब लेमन है तो ऑरेंज कहाँ से निकलेगा, इसका चांस हो गया 0, और लेमन निकलने का चांस कितना आएगा, पूरा का पूरा लेमन निकलने का चांस होगा 1। इट इज़ गिवन दैट इन ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे ना होने का चांस 0.992 है, ठीक है। तो ये बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू सेम बर्थडे होने का चांस, ना होने का चांस 0.992, तो होने का चांस क्या होगा, 1 में से 0.992 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.008 चांस क्या है, सेम होने का है, 0.008 चांस क्या है, सेम होने का, क्योंकि दोनों को मिला के 1 होता है। देखो, अब बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, क्या चांस है कि वो लाल निकलेगा, 3 लाल है 5 आपके ब्लैक है, 8 बॉल है 8 बॉल में से लाल निकलने का चांस क्या है, 3/8, ठीक है। नॉट रेड मतलब ब्लैक निकलेगा, आंसर हो गया 5/8। ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी वाला टॉपिक है। अब बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल, कितना हो गया, 5 और 8 13 और 4 17 बॉल हो गया, तो ठीक है। लाल आने का चांस कितना है, 5/17, वाइट आने का चांस कितना है, 8/17, नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो तो, ग्रीन तो इसमें 4 है 17 बॉलों में से 4 ग्रीन है, ये नहीं आना चाहिए, ग्रीन वाला नहीं आना चाहिए, तो चांस होना चाहिए 13/17, नॉट ग्रीन, ग्रीन ना आने का चांस 13/17, ठीक है। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को करते रहना है, बहुत ईजी टॉपिक है, फटाफट फटाफट निपट जाएगा। देखो, अब पिगी बैंक में 50 पैसे, अब पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसा कॉइन, 100 100 50 है 1 रुपये वाले सिक्के, 20 है 2 रुपये वाले सिक्के और 10 है 5 रुपये वाले सिक्के, तो सिक्के को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 180 सिक्के हो गए, कितने सिक्के हो गए, 180 सिक्के। तो एक बोल रहे कि क्या चांस है कि 50 पैसा कॉइन निकले, क्या चांस है कि 50 पैसा कॉइन निकले। अब 50 पैसा कॉइन कितने, इसमें 100 हैं, कितने 50 पैसा कॉइन, 100, तो क्या आंसर आएगा, 100/180, क्या आएगा, 100/180, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन,
₹5 वाले सिक्के नहीं, देखो सिक्के कितने लगे, पाँच वाले नहीं होने चाहिए, मतलब ये 10 सिक्के नहीं होने चाहिए, तो 180 सिक्के में से 10 नहीं होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए, 170, आंसर आएगा 170/180, ठीक है भाई, 00 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, गोपी बाय अ फिश, ठीक है, फ्रॉम अ स्टॉप फॉर इज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक आउट द फिश फ्रॉम अ टैंक, 5 मेल है 8 फीमेल है, क्या चांस है कि फिश मेल होगा, टोटल फिश 13 हो गए, मेल 5 है तो 5/13, सिंपल सिंपल खेले, बहुत ही आसान है। देखो 1 से लेकर के 8 तक का सीन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, क्या चांस है कि 8 पे रुकेगा, आंसर आएगा 1/8, ऑड नंबर पे रुकेगा, 1 ऑड 3 ऑड 5 ऑड 7 ऑड, कितने ऑड हो गए हमारे, 1, 3, 5, 7, ठीक है, 4 ऑड हो गए, तो कितना आंसर आएगा इसका, 4/8। और नंबर ग्रेटर देन 2, दो से ज़्यादा, 8 नंबर में 2 से ज़्यादा कितने हो गए, 6 नंबर हो गए, 6/8। और नंबर लेस देन 9, सारे नंबर 9 से कम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नाउ 13 वाला, और डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन सा होता है, जब आप लूडो की गिट्टी खेलते हो प्राइम नंबर किसे कहा जाएगा, 2, 3, 5, 3 नंबर कितने में से, 6 में से, 3/6 में से, ठीक है, तो आंसर आ गया इसका 1/2। और नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच में कौन कौन सा है, 3, 4, 5, 3, 3/6, क्योंकि टोटल 6 है। ऑड नंबर 1, 3, 5, 3/6, ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। नेक्स्ट, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल, मेरे सारे सीरीज देखने से पहले वाली सीरीज आपको देखनी जरूरी है, इसको करने से पहले, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का किंग, लाल रंग के किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, एक पान का होता है और एक ईट का होता है, एक हार्ट का होता है और एक डायमंड का होता है, इंग्लिश में हार्ट और डायमंड कहते हैं। किंग ऑफ रेड कलर कितना आएगा आपका, 2/52, फेस कार्ड जिसमें शकल बनी होती है, शकल वाले कार्ड होती है 12, कौन कौन से होते हैं शकल वाले कार्ड, किंग, क्यू, जे, एक सेट में 3 होते हैं, 6 लाल 6 काले, फेस कार्ड कितने हो गए आपके, 12/52, रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 6/52, जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का मतलब पान के पत्ते का जे, जे का मतलब गुलाम, पान के पत्ते का गुलाम एक ही होगा, आंसर हो गया 1/52, स्पेड कितने होंगे, स्पेड 13, क्लब 13, हार्ट 13, डायमंड 13, स्पेड का चांस कितना है, 13/52, द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड भी कितनी होगी, एक ही होगी, 1/52, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वाला, 5 कार्ड द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल, मिला दिया बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया, ठीक है, अब हम एक कार्ड निकाल रहे, क्या चांस है कि वो क्वीन निकलेगी, 1, 2, 3, 4, 5 पत्तों में एक क्वीन है, तो 1/5, पहला आंसर हो गया 1/5, इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन, हमने क्वीन को निकली और क्वीन को निकाल के अलग रख दिया, अब कितने पत्ते रह गए, 4, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप एस, वो एस आएगा, चांस क्या है उसमें, एस कितना पड़ा हुआ है, 1, तो 1/4, ठीक है, और क्वीन आने के चांस क्या है, 0, इस वाले पार्ट का आंसर 0, इसका आंसर आएगा 1/4। अब नेक्स्ट, 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 1, 12 डिफेक्टिव है, 132 गुड है, ठीक है, अब इट इज़ नॉट पॉसिबल, देख के पता नहीं लग रहा है, ठीक है, क्या चांस है कि वो गुड वन निकलेगा, 132 और 12 को जोड़ा कितना हो गया, 134 में से कितने अच्छे हैं, 144 में से 132 अच्छे, तो अच्छे आने का चांस कितना हो गया, 132/144, ठीक है भैया, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, थोड़ी अंग्रेजी में प्रॉब्लम आती है इसलिए बच्चों थोड़ा इसको अंग्रेजी को ढंग से पढ़ा करो, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन, 20 बल्ब हैं जिसमें से 4 क्या है, डिफेक्टिव है, एक बल्ब को निकाल रहे हैं, क्या चांस है कि 10 बल्ब इज डिफेक्टिव, तो आंसर आएगा अ लॉट ऑफ 20 बल्ब में 4 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव आने के चांस 4/20। दूसरा कह रहा है कि ये अगर सपोज द बल्ब, पहला वाला जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा वाला बल्ब निकाल दिया, तो अच्छा वाला बल्ब निकाल दिया, ठीक है, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अब अच्छे वाले कितने रह गए, 20 बल्ब में 4 डिफेक्टिव थे, तो अच्छे कितने थे इसमें, 20 बल्ब थे 4 डिफेक्टिव थे, 16 अच्छे थे, एक अच्छा आपने निकाल दिया, अब अच्छे कितने रह गए इसमें, 15, कितने बल्ब में से, 19 में से, तो अब क्या चांसेस ये दूसरे नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, 15/19 कितना आ गया, 15/19। नाउ नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 90 रिस्पेक्ट आर नंबर फ्रॉम 1 to 19, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में समझा रखा है, ठीक है, और ये बोल रहे अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to, इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, क्या चांस है कि 2 डिजिट नंबर निकले, देखो 1 से लेके 90 तक का नंबर है, तो कुल मिला के 1 से लेके 90 बोला उन्होंने, 1 से 90 बोला, तो टोटल नंबर दोगे 90, 2 डिजिट नंबर,
एक से लेके 90 में, एक से लेके 9 तक वाले नंबर तो सिंगल डिजिट के हो गए, तो 81 नंबर क्या हो गए आपके, दो डिजिट वाले हो गए। 81 नंबर क्या हो गए, दो डिजिट। तो दो डिजिट वाले नंबर आने के चांस क्या है, 81/90। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 81/90। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ठीक है, 49 के बाद 64 के बाद 81, तो कितने हो गए, 9। कितने नंबर हो गए, 9। परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर 9 हो गए, तो 9 अपॉन क्या आएगा आपका, टोटल कितना है आपका, टोटल कितना है, मैंने आपको बताया था टोटल कितना है आपका इसमें, 9 अपॉन 90 का मतलब हो गया 1/10। और नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 एकम 5, 5 2 जै 10, 5 3 जै 15, 90 में कितने बार आएगा, 18 बार आएगा, 18 5 जै 90, तो इसका चांस क्या होगा, 18/90। और नंबर डिजिटल वाई 5 का आंसर होगा 18/90। परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी मैंने आपको बता दिया 9 होंगे, 9/90। टू डिजिट नंबर कितने होंगे, टू डिजिट नंबर होंगे 81/90। नाउ नेक्स्ट वाला है, देखो अ चाइल्ड हैज अ डाइस जिसमें ऐसा ABCD ऐसा लिख रखा है, क्या चांस है, ए आने के चांस कितने, 2। कितने में से, 6 में से, ठीक है, तो आंसर आ गया 2/6। दूसरा डी आने का चांस कितना, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1/6 कितना है, 6, 1/6। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन नया है इस बुक में, NCERT के बुक में, देखो सपोज यू ड्रॉप डाइस एट रैंडम एट द रेक्टेंगुलर रीजन, देखो ये सर्कल है, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, क्या चांस है कि ये इसके अंदर जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो सबसे पहले पूरी चांस तो है 3 2 जै 6, ये फिगर ऐसा है, ठीक है, ये 3 और ये 2 6, और अंदर क्या है, सर्कल जिसका डायमीटर कितना है 1। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई, डायमीटर आपका 1 है, तो रेडियस क्या होगा, 1/2, क्या होगा, 1/2, तो आर कितना हो जाएगा, 1/2, तो पाई 2 का स्क्वायर 4। ये सर्कल का एरिया है और रेक्टेंगल का एरिया 6, तो सर्कल के एरिया में घुसने का चांस कितना है, पाई 4/4, ये होगी प्रॉबिलिटी, क्या होगी ये प्रॉबिलिटी, देखो ये सर्कल का एरिया हो गया, ध्यान से देखिए बच्चों, और ये रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, तो इसके अंदर घुसने के चांस कितने हैं, π/4/6, तो मतलब हो गया π/24। ये क्वेश्चन बढ़िया है, नया है, ठीक है। नेक्स्ट, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, 20 डिफेक्टिव है एंड अदर्स आर गुड, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट डिफेक्टिव, शॉपकीपर ने उसको, द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन, तो क्या चांस है कि वो खरीदेगी। अ लॉट 144 बॉन्ड में से 20 डिफेक्टिव है, तो अच्छे कितने वाले हैं, 124 अच्छे हैं, समझ रहे हो, 144 में 20 खराब है, अच्छे 124 हुए, तो खरीदने का चांस कितना हो गया, 124/144 खरीदने का चांस, और ना खरीदने का चांस हो गया 20/144, समझ आया भाई। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, देखो टू डाइस अथ्रॉन, दो डाइस को हमने इसको क्या बोल के देखा, एक ग्रे कलर का एक इतना, अब मेरी बात सुनिए, एक बच्चा बोलता है कि 2 आने का चांस 1/36 है, 8 आने का चांस 5/36, 12 आने का 1/36, असिस्टेंट आर्ग्यू डेट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, 2 3, ये सब आने के चांस है, 2 3 4, और प्रोबेबिलिटी 1/1, क्या इसकी बात से आप सहमत हैं, इसकी बात से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि वो कितने डाइस फेंक रहा है, 2 डाइस फेंक रहा है, मैंने आपको पहले भी अपना चार्ट पढ़ाया था पिछले वाले वीडियो में, यहाँ देखो ये, ठीक है, 2 आने का चांस कितना है, 2 आने का चांस क्या है, 1 1 में 2 आएगा, बस एक ही जगह आएगा, 2 एक ही बार आएगा, 3 आने का चांस क्या है, 1 2 2 1, ऐसे करके दें, 2 आने का चांस इतना, 3 आने का चांस, 4 आने का, 5 आने का, 6 आने का, 7 8, ऐसे करके 12 तक का मैंने बताया। तो उसका सवाल है कि, सवाल इसमें क्या है कि इस चार्ट को आपने भरना है, इस चार्ट में आपने क्या भरना है, देखो इस चार्ट में क्या भरोगे, 2 आने का चांस 1/6, 3 आने का 1/36, 2 आने का चांस, 3 आने का चांस कितना है, 3 आने का चांस लिख रखा है मैंने 2/36, देखो 3 आने का चांस 2/36, 4 आने का चांस कितना हो गया हमारा, ये हमारा है ना, ऐसे करके आप फिट करते जाओ, 4 आने का चांस 3/36, 5 आने का चांस 4/36, 6 आने का चांस 5/36, ऐसे करके आप इसे फिट कर सकते हैं। इस चार्ट में ये मैंने आपको बताया था, समझाया था, इसको आपने समझना है, ठीक है, बहुत ईजी सा गेम है, ये आपने फिट कर दिया आपने, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछ रहे हैं, डू यू एग्री, हमने बता दिया हम इसके साथ एग्री नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, मैंने आपको जो ये चार्ट का हिंट दिया था पिछले वाले इस वीडियो को जरूर देखना, आपको अच्छे तरीके से और ढंग से समझ आ जाएगा, ठीक है।
गेम कंस ऑफ टॉसिंग अ वन रुपी कॉइन थ्री टाइम, ये भी सिखाया था मैंने, एंड नोटिंग इट्स आउटकम इस टाइम। अ गेम कंस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन अ वन रुपी कॉइन थ्री टाइम। अब तीन बार एक सिक्के को उछालोगे आप, देखो तीन बार एक सिक्के को उछालोगे, मैंने पिछले बार ही बताया था, या तो उसमें हेड 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 आएगा, या हेड हेड टेल आएगा, या हेड टेल हेड आएगा। तो इसके टोटल चांस कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि वो तभी जीतेगा, देखो अ गेम इतना हनी विल विन ऑल द गिव द सेम रिजल्ट, या तो तीनों में हेड आ जाए या तीनों में टेल आ जाए, तो क्या चांस है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। जीतने के चांस तो क्या है, तीन हेड और तीन टेल पे जीतेगा, दो चांस जीतने के हैं, और कितने चांस हारने के, एक दो तीन चार छः चांस। तो उसके हारने के चांस कितने हैं, सिक्स अपॉन एट, कितने चांस है उसके हारने के, सिक्स अपॉन एट, क्योंकि छः बार में हारेगा, इसमें हारेगा, इसमें हारेगा, इनमें हारेगा, केवल जीतेगा तीन हेड में या तीन टेल में, टोटल मिला के आठ चांस है। तो हारने के चांस कितने का, छः बट्टा आठ, छः बट्टा आठ का मतलब हो गया थ्री अपॉन फोर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार फेंका जाता है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी डेट फाइव विल नॉट कम अप इधर टाइम, पाँच आएगा ही नहीं। देखो ध्यान से सुनो, इसमें पाँच आ रहा है, देखो पाँच एक पाँच दो पाँच तीन पाँच चार पाँच 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 छः, और पाँच दिखना ही नहीं चाहिए बोल दिया उसने, पाँच यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, और पाँच यहाँ पर दिख रहा है, तो पाँच दिखने नहीं चाहिए, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये ग्यारह तो दिखने ही नहीं चाहिए, तो क्या दिखने चाहिए, पूरे 36 हैं, 11 दिखने नहीं चाहिए, तो कितने दिखने चाहिए, 25 दिखने चाहिए, ठीक है, तो आंसर आएगा 25/36, ठीक है। ये तो दिखने के चांस, ना दिखने के चांस है 25/36, पाँच दिखे ही ना, ठीक है, और दिखने के चांस कितने, 11/36। तो ये आप मेरी बात को समझिए, इसमें पाँच की जगह तीन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, बात को समझ, पाँच वो बोल रहा है कि पाँच की शक्ल दिखनी नहीं चाहिए, तो पाँच की शक्ल यहाँ दिख रही है, पाँच की शक्ल यहाँ दिख रही है, तो 11 बार पाँच की शक्ल दिख रही है, दिखने के चांस 11/36, और ना दिखने के चांस 36 में से 11 माइनस कर दो 25/36। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा ये वाला, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन। ऑफ टू कॉइन टॉस एमएलए देर आर थ्री पॉसिबल आउटकम, दो कॉइन को हम उछालेंगे तो ये बोल रहे हैं कि देर आर थ्री पॉसिबल आउटकम, टू हेड टू टेल एंड वन ऑफ ईच, therefore for each of these outcomes, ये क्या है आपका आंसर क्या है, गलत होना चाहिए। देखिए बोले टू कॉइन टॉस एमएलए देर आर थ्री पॉसिबल आउट, तीन पॉसिबल आउट, दो कॉइन को छालेंगे तो तीन आउटकम नहीं है, कितने आउटकम है, चार आउटकम है, कितने आउटकम है, चार आउटकम है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को देखना है, ये बहुत ईजी है, मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।